कल का वेट अगर बढ़ा हुआ आया तो समझ जाएंगे आज गलत आया था, मशीन को दौरे हो गए पड़े से। और आज सुबह का वेट आया 85.3। फिर हम बनाएंगे मस्त अपना मिलेट स्पिनच वाला डोसा। उन्होंने मेरे को सिगरेट ऑफर की हमें, और मैंने जो डोसा बैटर आपको भी दिखाया था वो खराब हो चुका है। रिश्तेदारी कॉल करते हैं भाई लोगों मुझे। ऑल्सो मेरे से किसी ने पूछा था कि पानी में गर्म पीती हूँ, नॉर्मल पीती हूँ या चिल्ड पीती हूँ। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to a brand new day, brand new video. और मुझे एक्चुअली मेरी ना नींद पूरी नहीं हुई है, तो अभी मेरा स्टार्टिंग में एनर्जी थोड़ी लो है। ऑल्सो लाइट नहीं आ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो लिटरली ऐसा बिल्कुल स्वेटी स्वेटी हो रहा है, TMI। बट हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने सोचा कि उठ ही जाती हूँ और क्या, इतना और मतलब लेटने की भी क्या कोशिश करूँ जब इतनी गर्मी लगी रही है। तो उठते हैं, अपना दिन शुरू करते हैं। और आज सुबह का वेट आया 85.3। मुझे समझ नहीं आ रहा इतना कैसे एकदम से फ्लिप हो गया, या तो मेरी मशीन ख़राब हो गई, क्योंकि कल मेरा वेट था 86.8 शायद। बट जो भी है, पता नहीं अभी सही है गलत है, कल पता चलेगा। कल का वेट अगर बढ़ा हुआ आया तो समझ जाएंगे आज गलत आया था, मशीन को दौरे हो गए पड़े थे। बट चलो देखते हैं। और अभी फिलहाल पानी भी लगाती हूँ, क्योंकि मेरा गला भयंकर वाला सूख रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना आजकल। हमारे यहाँ लाइट इतनी ज़्यादा जाने लग गई है गुड़गांव में ही एक्चुअली। अगर आप भी गुड़गांव से, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके यहाँ भी जा रही है। सो फिलहाल चलते हैं, अपनी पानी की बॉटल रीफिल करते हैं और अपना मॉर्निंग ड्रिंक पीते हैं। ऑल्सो मेरे से किसी ने पूछा था कि पानी में गर्म पीती हूँ, नॉर्मल पीती हूँ या चिल्ड पीती हूँ। तो मैं आधी बॉटल एक्वा से भरती हूँ, आधी बॉटल थोड़ी ठंडा पानी भरती हूँ। सो आई ड्रिंक मिक्स पानी, ठंडा गर्म दोनों मिक्स करके, मतलब क्योंकि आजकल एक्वा से तो ऐसे उबलता हुआ पानी ऐसे ही आ रहा होता है, तो नॉर्मल जो ठंडा होता है उसको मिक्स कर लेती हूँ मैं एक्वा वाले से। मॉर्निंग ड्रिंक चिया वाटर। देखना किसका फोन है मम्मी, रिश्तेदारी कॉल करते हैं भाई लोगों मुझे। हेलो, हाँ जी नमस्ते मम्मी, आपके लिए है। क्या हो गया? पता नहीं, वैसे याद आ रही है उनको। वैसे नहीं याद करता मेरे को कोई। हेलो, आपको पता होगा इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट गाइस। और ब्रेकफास्ट में है आज डोसा। तो मैंने जो बैटर मंगवाया था ना, वो मैंने फ्रिज में ही रखा हुआ है, तो आज उसको फाइनल इस्तेमाल करते हैं और यूज करते हैं। एंड जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं घर पे फ्रेश बैच बना लूंगी, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि पैकेज मत यूज करो, वो घर पे बना लो। तो जो भी रेसिपी होगी मुझे कमेंट में बता दो, और मैं वही फिर अगली बार ट्राई कर लूंगी। और पापा भी ऑफिस गए हैं, तो जारा जी चिल्ला रही है क्योंकि पापा ने गेट बंद कर दिया है। तेरे को लेके नहीं गए, जा तू भाग जा। पापा चिल्लाएंगे कह रहे नीचे की छोड़ा, और मम्मी यहाँ पे कर रही है किचन के काम, मतलब साफ सफाई। तो अब तो पीछे से हल्ला गुल्ला आ सकता है, बट अब मैं फटाफट से बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि पेट में लगी है भूख की। मुझसे हो गई गलती से एक मिस्टेक। तो हाँ जी, कौन सी चाबी दूँ? अभी बताती हूँ क्या मिस्टेक करी है मैंने, पहले पापा को दूँ मैं चाबियाँ। हाँ, सो मैं क्या बता रही थी कि मैंने जो डोसा बैटर आपको भी दिखाया था वो खराब हो चुका है। मुझे लगा था कि इसका 10-15 दिन का होगा, कि आप फ्रिज में रख दो और यूज़ कर लो बाद में, बट ये 3 दिन पहले ख़राब हो चुका है। तो अब मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं है, मैं ऑनलाइन देखती हूँ एक बार दोबारा कि अगर अभी कोई ऑनलाइन यही वाला, जैसे मैंने ऑनलाइन मंगवाया था तो यही मैं छोटा बैग कोई है तो मंगा लेती, क्योंकि हमारे घर पे इतना यूज़ नहीं होता ये इडली और डोसे वाला। आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। हाँ, आज मेरे घर पे बनी है आलू पूड़ी, और मम्मी तब से कह रही है पूड़ी खा ले, आलू पूड़ी खा ले। तो मैंने कहा नहीं खाना है मम्मी, यहाँ डोसा है मेरे डाइट प्लान में। तो मम्मी पापा कहो मैंने मस्त आलू पूड़ी, मतलब आलू मम्मी ने बनाई, पूड़ी मैंने बनाई, तो वो खिलाया। और अब मैं अपने लिए डोसा बनाने वाली थी, बट डोसा बैटर जी ने तो बिल्कुल ही वो कर दिया। पूड़ी बना ले तो। मुझे पूड़ी नहीं खानी। कब तो आएगा, कब तो तू खाएगी? जब वो आएगा, जब मैं खाऊंगी। तो मैं अभी देख रही थी ऑनलाइन डोसा बैटर, जो मैंने पहले मंगवाया था वो नॉर्मल जैसे दाल और चावल वाला बैटर था, बट एक मेरे को ना ये भी दिखाया अभी, मिलेट सुपर ग्रेन्स प्लस स्पिनच डोसा। और इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, एक मिनट बताती हूँ, इसमें मिलेट है, मूंग दाल है, तूर दाल है, चना दाल, उड़द दाल, बेसिकली स्पिनच, तो बेसिकली सारे दालों और स्पिनच का है। तो आई थिंक ये मंगवा के देखते हैं आज, नया कुछ ट्राई करते हैं।
अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो पहले बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आपके लिए भी कुछ नया देखने को मिलेगा और मेरे को भी कुछ नया खाने को मिलेगा। सो ये करके देखते हैं। और इसकी जो सर्विंग है ना, मतलब जो कॉम्पोजिशन है पर 100 ग्राम वो है प्रोटीन इसमें 17 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 75 और फैट है 3 ग्राम, एनर्जी टोटल कैलरी है 380 कैलरी 100 ग्राम में। तो यही मंगवाते हैं अपना और कुछ नया ट्राई करते हैं। सो ऑर्डर इज अराइविंग इन 8 मिनट्स और जब आएगा तब मिलती हूँ, फिर हम बनाएंगे मस्त अपना मिलेट स्पिनच वाला डोसा। ठाणा ऑर्डर इज हेयर। अब बैठ के आराम से देख लेते हैं कि है क्या पैकेट, मैं आपको बता देती हूँ एक बार। सो दिस इज मिलेट डोसा और जारा जी आ गए हैं, इनको हर चीज स्मेल करनी है कि घर में क्या आया है। दिस इज फ्रॉम द कंपनी स्लर्प फार्म, मिलेट डोसा स्पिनच नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नो प्रिजर्वेटिव्स। और जो मैंने पहले डोसा बैटर मंगवाया था वो नॉर्मल था, मैंने आपको बताया, तो वो एक्चुअली मतलब 1 kg का पैकेट अराउंड 80 या 90 रुपीज का था। और जो ये पैकेट है ना ये 150 ग्राम है, ठीक है 150 ग्राम और ये 80 रुपीज का है। वो आपको 1 kg बैटर मिल रहा था और ये 150 ग्राम है, दैट टू पाउडर है आई फील। सो ये काफी मतलब उससे कंपेयर कर तो काफी महंगा है, लेकिन इसमें फिर वो प्रोटीन और मतलब प्रोटीन एज इन हरी तरह की दालें हैं और मिलेट है और क्या चीज है स्पिनच है, तो इस वजह से मे भी एक्सपेंसिव होगा। तो कुछ नया ट्राई करने के लिए मैंने मंगवा तो लिया, अब टेस्ट अच्छा हो बस। एक्चुअली पाउडर के फॉर्म में ही है, इसमें दही और पानी डालना है इसको बैटर बनाने के लिए। हेयर यू गो, कुछ ऐसा सा बैटर है। अब इसमें मैंने डालना है दही और पानी। ये रहा डोसा, तो मैंने दो पतले पतले डोसे बना लिए। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा बना है। Also, अभी तक लाइट नहीं आई है और हमने एक ही पंखा और एक ही रूम में बैठ गए, मतलब यहीं पे बैठ गए मम्मा भी, क्योंकि बहुत ही हो गए। कितने घंटे हो गए लाइट गए हुए? एक्चुअली 5-6 घंटे हो गए लाइट नहीं आई है अभी तक। सो अब इसको टेस्ट करते हैं, धीरे धीरे खाएंगे, 32 टाइम शुरू करके खाएंगे दोस्तों। मैं ना एक प्लेन ट्राई करती हूँ बिना चटनी के। टेस्ट इज एक्चुअली गुड, बहुत टेस्टी सा आ रहा है, मतलब अलग सा फ्लेवर आ रहा है और टेस्टी लग रहा है। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई करके देखना, आई होप यू विल लाइक इट। ब्रेकफास्ट भी लेट हो रहा था, उसके बाद फिर मेरा खाने का मन ही नहीं था, भूख नहीं लगी, तो मैंने सोचा कि अगर भूख नहीं है तो जबरदस्ती कुछ खाना ही चाहिए। और मैंने पानी पी लिया था, लाइक अच्छा खासा पानी का इंटेक रखा है अभी तक का, और 2 लीटर हो चुके हैं एक्चुअली 2.5 लीटर। सो अब लंच की बारी है, सीधा लंच करते हैं। आज लंच में बना है पालक पनीर की सब्जी, साथ में मैंने फुल्का लिया है विद देसी घी, और मेरी जो छाछ है वो तो है ही। ये पूरा हफ्ता ना नींद के मामले में बड़ा ऊपर नीचे गया है, कल भी ढंग से हो नहीं पाया, सुबह के अराउंड सोई थी तो थोड़ा स्लीपिंग शेड्यूल बिगड़ गया है मेरा, हर वीडियो में यही कह रही हूँ। कल से मंडे है और कल से रेगुलर मैंने मम्मी को भी अभी यही बोला कि एक तो टाइमिंग पे खाना खाएंगे और स्लीप अच्छी लेंगे और वर्कआउट ढंग से करेंगे। सो या कल से करते हैं यार, तो अब आराम से करते हैं लंच, उसके बाद अगर हुआ तो मैं थोड़ा सो जाऊंगी, क्योंकि मैं पहले कर रही थी एडिटिंग, तो मैंने सोया वो या कुछ नहीं, आराम नहीं किया, एडिटिंग कर रही थी। अभी थोड़ी सी एडिटिंग बची है वो करके अगर हुआ तो मैं थोड़ी देर ना पावर नैप ले लूंगी आधा पौना घंटे का। नींद वींद तो आई नहीं है, मैं तब से वीडियोस वगैरह ही देख रही हूँ और अपनी वीडियो अपलोड पे लगाई हुई है। एंड अभी बारी है इवनिंग स्नैक्स की, उसमें मैंने वाटरमेलन लिया है। सो अब चलते हैं अपने रूम में वापस से, वीडियोस देखते हैं, वाटरमेलन एंजॉय करते हैं। और मेरी वीडियो हुई है अभी 19% अपलोड,
तो अभी इसको एक घंटा आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा मिनिमम आधा एक घंटा जब तक मेरी वीडियो अपलोड होती है तब तक मैं ऐसे कुछ ना कुछ देख रही हूँ। अभी तो फिलहाल देख रही हूँ मैं हर्षित और वंशिका चैनल, काफी कूल से है ना दोनों, मतलब बड़े बढ़िया है यार। अगर आपने नहीं देखा देन डू चेक आउट देयर चैनल, दैट रियली अमेजिंग। और मम्मी सो रही है मेरा जो दिन गया है ना वो इतना ज्यादा ऐसा लेजी परफेक्ट संडे गया है ना, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया लिटरली। आज सिर्फ मैंने वीडियो एडिट करी है, वीडियो ये वाली बनाई है एंड दैट्स इट। मैं कहीं बाहर नहीं गई, मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, मैं नहाई नहीं हूं अभी तक क्योंकि दोपहर को बहुत गर्म पानी आता है, वो मुझसे हैंडल नहीं होता। और सुबह एक्चुअली मैं लेट हो गई थी तो मैंने सोचा अब शाम को मतलब रात के टाइम पर मस्त एकदम शार लूंगी, सो वो तो बाद में करेंगे। लेकिन पहले डिनर का टाइम है, डिनर में आज है मसाला खिचड़ी। तो ये है मूंग दाल और चावल, मतलब दोनों का मिक्स करके मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी। तो आज मैंने खाना भी नहीं बनाया, मैंने खिचड़ी भी खुद नहीं बनाई, मैंने मम्मी को बोला। बेसिक खिचड़ी है और नथिंग फैंसी। एक्चुअली मुझे खिचड़ी पसंद है, इसमें वेजीज डाल दो और ज्यादा तो बहुत टेस्टी लगती है, मटर अच्छा लगता है। तो हाँ मतलब ऐसा वैसे बोलते हैं कि बीमारों का खाना होता है लेकिन मुझे सही लगता है। तो और साथ में आम का अचार, दही, पापड़, ओ गॉड। बट मैंने अभी सिर्फ खिचड़ी लिया और थोड़ा सा दही लिया है, सो अभी एंजॉय करते हैं। आप लोगों ने डिनर में आज क्या खाया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। खिचड़ी इज द बेस्ट डिनर ऑप्शन, इवन अकॉर्डिंग टू रुजुता मैम खिचड़ी दाल चावल रात को खाना ना बेस्ट होता है डिनर में। ऑब्वियसली रात को खाएंगे तो डिनर में ही खाएंगे, डिनर में खिचड़ी और दाल चावल बेस्ट है कि वो डाइजेशन और ये सब में भी सही रहता है। एंड मैंने उनके डाइट प्लान में भी रात को खिचड़ी बहुत टाइम खाई है तो मेरे को इसलिए पसंद भी है। मैंने बहुत बकड़ बकड़ कर ली, अब मैं आराम से अपना डिनर एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद। आज हो पाया तो टॉक सेशन कर लेंगे क्योंकि मैंने नॉवल पढ़ी नहीं है, बट मैं थोड़ी देर पढ़ लूंगी अभी डिनर करने के बाद, फिर टॉक सेशन करते हैं और टॉक सेशन में मिलती हूँ आपसे अब। हाय गाइस, ओके दिस इज द नेक्स्ट डे एक्चुअली, क्योंकि कल रात को भी मैं सो गया था और मुझे पता ही नहीं चला। अभी मैं यहाँ पे टॉक सेशन करने आई हूँ क्योंकि फिर फटाफट से आउटरो करते हैं और ये वीडियो को फिर मैं एडिट करने बैठूंगी। सो आज का टॉक सेशन जो है ना वो छोटा सा ही होगा क्योंकि मैंने तब अभी आगे बुक पढ़ी नहीं थी। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया और इस चैप्टर का नाम है हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। सो बेसिकली इस चैप्टर में अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि मैं फटाफट पैरा पढ़ती हूँ। इट ऑफन फील्स डिफिकल्ट टू कीप गुड हैबिट गोइंग फॉर मोर देन अ फ्यू डेज, जो कि सच है ना। मतलब हम लोग कोई अच्छी हैबिट, अगर फॉर एग्जांपल हेल्दी ईटिंग, इसको हम जब बहुत ज्यादा दिन तक करेंगे ना हमें हमसे होता ही नहीं है लाइक, है ना, मतलब हम कर नहीं पाते, विच इज ट्रू। ओके, इवन विद सिंसियर एफर्ट एंड द ओकेजनल बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन, आप करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो बट वो हो ही नहीं पाता है। हैबिट्स लाइक एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जर्नलिंग, कुकिंग, ये सब होता है, ये दो तीन दिन के लिए तो सही लगता है कि अरे अब से मैं हेल्दी खाऊंगी, अब से मैं एक्सरसाइज करूंगी, बट उसके बाद ना वो एक आफत सी लगने लग जाती है, यार क्यों एक्सरसाइज करनी है यार, अब शिट यार मेरे को फिर डाइट करनी पड़ेगी, ऐसा वाला, ठीक है। सो इस पैराग्राफ में ये है जो हमारी फर्स्ट मिस्टेक है, एक्चुअली ना इसमें होता है टू रीजन है। हाँ, चेंजिंग आर हैबिट्स इज चैलेंजिंग फॉर टू रीजन, वी ट्राई टू चेंज द रॉन्ग थिंग फर्स्ट, सेकेंड वी ट्राई टू चेंज आर हैबिट्स इन द रॉन्ग वे। मतलब हम एक तो गलत चीज को चेंज करना चाहते हैं, दूसरा हम उस चीज को गलत वे में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट जो पॉइंट है ना कि हम लोग गलत चीज को चेंज करना चाहते हैं वो डिस्कस करेंगे, और कैसे हम गलत तरीके से चेंज कर रहे हैं वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आर फर्स्ट मिस्टेक वो ये है दैट वी ट्राई टू चेंज द रॉन्ग थिंग, राइट। तो अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। बेसिकली हमारी ना तीन लेयर है एंड मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, थ्री लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज। फर्स्ट लेयर इज चेंजिंग योर आउटकम्स, कि मुझे पतला होना है, ठीक है, मेरे को वेट लूज करना है या फैट लूज करना है, तो वो आउटकम है। द सेकेंड लेयर इज चेंजिंग योर प्रोसेस, कि मुझे रोज डाइट और एक्सरसाइज करनी है, ये प्रोसेस है, तो मेरा चेंजिंग योर प्रोसेस ये होगा। थर्ड लेयर एंड डीपेस्ट लेयर इज चेंजिंग योर आइडेंटिटी, मतलब अपना जो बिलीफ है वो चेंज करना कि येस आई कैन डू दिस, मतलब रो रो के नहीं करना, एक पॉजिटिव थिंकिंग से करना कि येस आई कैन डू दिस, अपना बिलीफ चेंज करना। आउटकम्स आर अबाउट व्हाट यू गेट, प्रोसेसेस आर अबाउट व्हाट यू डू, एंड आइडेंटिटी इज अबाउट व्हाट यू बिलीव।
ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी वाला. मैनी पीपल बिगिन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग देयर हैबिट्स बाय फोकसिंग. हाँ, हम क्या करते हैं ना कि हम लोग बस लूज वेट करना है तो हम इसलिए हैबिट्स चेंज कर रहे हैं. वही बात हो गई कि आप आउटकम पे जा रहे हो, आप रिजल्ट पे पहले जा रहे हो, अपना सिस्टम चेंज नहीं कर रहे हो. तो ये गलती करते हैं हम लोग. दिस लीड्स टू आउटकम बेस्ड हैबिट्स. द ऑल्टरनेटिव इज टू बिल्ड आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स. विद दिस अप्रोच वी स्टार्ट बाय फोकसिंग ऑन हु वी विश टू बिकम. तो हमें बेसिकली आउटकम पे नहीं जाना, हमें जो हमारी आइडेंटिटी, जो हमारा बिलीफ है, हमें उसे चेंज करना है कि यस वी कैन डू दिस. तो हम तब कर पाएंगे. तो आपको जो बनना है, जिस जो तरह का इंसान बनना है, जो आपको चाहिए, मतलब बेसिकली आपको पूरा लेट्स से एक विजुअलाइज करना है इस चीज को कि मुझे क्या बनना है, एंड देन उसके ऊपर फोकस करना है और उसी पे बिलीव करना है. जो आपको सर्कल दिख रहे होंगे, आउटकम बेस्ड हैबिट्स और आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, वो भी मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया होगा. ओके, सो एक एग्जांपल है. इसके बाद फिर मैं टॉक सेशन यही खत्म करूंगी क्योंकि मैंने यहीं तक पढ़ा है नॉवल. तो एग्जांपल इज कि दो लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल मी एंड माय फ्रेंड, हम सिगरेट छोड़ना चाहते हैं. थर्ड पर्सन मेरे पास आया, हमारे पास, उन्होंने मेरे को सिगरेट ऑफर की हमें. तो उसके बाद मेरा रिस्पॉन्स क्या रहा और उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, उसके ऊपर एग्जांपल है. मैंने बोला नो थैंक्स, आई एम trying to quit. ठीक है, ये मेरा रिस्पॉन्स था. इट साउंड्स लाइक अ रीजनेबल रिस्पॉन्स कि ठीक है मैं छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए मैं नहीं पी रही. बट दिस पर्सन स्टिल बिलीव्स दैट यू आर अ स्मोकर एंड यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स. मतलब उनको यही लगेगा कि हाँ मैं स्मोक करती हूँ बट मैं छोड़ना चाह रही हूँ, राइट. तो उन्होंने तो मुझे स्मोकर ही समझा. नाउ सेकेंड वन इज सेकेंड पर्सन जो मेरी फ्रेंड है, उसने बोला नो थैंक्स, आई एम नॉट अ स्मोकर. तो वो क्या रहा ना, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है. उसने भी सिगरेट नहीं पी, मैंने भी नहीं पी, लेकिन स्टेटमेंट में ना एक छोटा सा डिफरेंस आ गया कि उसने अपने आप को वो स्मोक नहीं करना चाहती थी. उसने वो बिलीव किया कि मैं नहीं करना चाहती, मैं नहीं पीती. तो उसने रिस्पॉन्स भी उस तरह किया कि नो आई एम नॉट अ स्मोकर. वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करना चाहती है. और मैंने अपनी आइडेंटिटी तो वही रखी कि नहीं यार मैं पीती हूँ लेकिन अभी नहीं पी रही क्योंकि मुझे क्विट करना है. मतलब मैं नेगेटिव फॉर्म में जा रही हूँ, समझ रहे हो. और ना ये लाइन मैं अगर एक दो बार बोलूंगी ना, तीसरी बार मेरे मन में आता है कि नहीं यार चल छोड़, मैं पी लेती हूँ. मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि मुझे छोड़ना है, बल्कि मैं एक्ट नहीं कर रही मेरी आइडेंटिटी पे. आई होप यू गेट इट. आई होप मैंने सही से समझाया होगा. तो बेसिकली स्मोकिंग वॉज अ पार्ट ऑफ देयर फॉर्मर लाइफ, नॉट देयर करंट लाइफ. दे नो लॉन्गर आइडेंटिफाई एज समवन हु स्मोक्स. सो मैंने भी नॉवल यहीं तक पढ़ी है. अभी आज मैं और आगे कंटिन्यू करूंगी. सो आपको नेक्स्ट टॉक सेशन में थोड़ा और समझा दूंगी इस बुक में क्या है. आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस टॉक सेशन, बिकॉज इस तरह से मेरी भी नॉवल खत्म हो रही है थोड़ी थोड़ी, और मैं आप लोगों को भी बता पा रही हूँ. जिसके पास ये वाली नॉवल नहीं है उसको भी पता होगा कि उसको भी पता चल जाएगा कि इसमें क्या है बेसिकली. अगर आप अच्छा, आपको नॉवल मैंने बताई नहीं, इसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स. सो अगर आपने नॉवल पढ़ी है तो वेल एंड गुड. आप लोग अपना फीडबैक हमें कमेंट में बताओ कि आपको ये नॉवल कैसी लगी. बट मैंने इस नॉवल की बहुत अच्छे रिव्यू सुने सबसे ही एक्चुअली. सो इसीलिए मैंने सोचा पढ़ते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं. अब मैं आपसे मिलूंगी कल विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू डे. और बस हाँ यही है, ये वीडियो देखने में मजा आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना. और आजकल मैं कुछ ज्यादा कर नहीं रही हूँ, आई नो सिर्फ डाइट डाइट चल रहा है, बाहर जाने का मन ही नहीं करता, गर्मी इतनी हो रखी है. और प्लस मेरे पास कोई इतना वो होता भी नहीं है कि कोई आता है मिलने तो मैं चली जाती हूँ, तो इतना घूमना घुमाना हो भी नहीं रहा, आई नो दैट. बट हाँ, सून आई विल गो आउट समवेयर और थोड़ा बहुत जो भी करूँगी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. सो या अगर वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए. अब मैं आपसे मिलूंगी कल विद अ न्यू वीडियो. जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना एंड आई विल मिस यू टू. बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय.